आज का हमारा टॉपिक होगा प्रस्तावना, प्रीएम्बल, इसे हम आमुख भी कहते हैं। प्रस्तावना हमारे संविधान को जानने का आधार है। प्रस्तावना के निर्माताओं ने हमारी राज्य व्यवस्था को एक नई वाणी प्रदान किया है। प्रस्तावना यदि आधार स्तंभ है तो राज्य व्यवस्था उस पर खड़ा एक सुंदर सा महल। हम जानते हैं कि जिस प्रकार किसी पुस्तक के प्रारंभ में एक भूमिका होती है, जिसे पढ़कर यह पाठक जान लेता है कि पुस्तक लिखने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य है और इस पुस्तक के माध्यम से वह अपने पाठक को क्या संदेश देना चाहता है, उसी प्रकार प्रत्येक संविधान के प्रारंभ में एक प्रस्तावना होती है जो कि संविधान का संक्षिप्त सार है। प्रस्तावना पढ़कर भी स्पष्ट हो जाता है कि संविधान बनाने के पीछे संविधान निर्माताओं का क्या उद्देश्य है और इस संविधान के माध्यम से अपने देश में कौन सी प्रणाली स्थापित करना चाहते हैं तथा अपने नागरिकों को कौन से अधिकार और स्वतंत्रता देना चाहते हैं। सभी के एम मुंशी ने कहा था कि प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। सर अर्नेस्ट बारकर ने कहा कि प्रस्तावना पढ़कर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रस्तावना पढ़ लेने के बाद संविधान में जानना कुछ भी शेष नहीं रह जाता। हम किसी भी देश के संविधान के बारे में अगर जानना चाहें तो हमें संविधान की उस देश की संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लेने से पता चल जाता है किस देश की शासन प्रणाली क्या है, नागरिकों के कौन कौन से अधिकार हैं, शासन व्यवस्था का आधार क्या है। इन सब कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जान लेते हैं। जैसे कि हम ये जानते हैं, हमें भारत के संविधान से पता चलता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने की है। जैसे कि अमेरिकी के संविधान को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि अमेरिका का संविधान अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाला है। हमारा संविधान संसदीय शासन प्रणाली इस वजह से भी है क्योंकि ब्रिटिश शासन से के समय से ही यह प्रणाली के हम आदि हो चुके थे और उसके बारे में हम अच्छी तरीके से जान भी चुके थे। ये तक जो प्रस्तावना है प्रस्तावना को कोई वैधानिक महत्व नहीं है, यह न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय है अर्थात न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन फिर भी प्रस्तावना के महत्व को हम करके नहीं देख सकते। संविधान की भाषा यहाँ अस्पष्ट और संदिग्ध है। न्यायपालिका इसकी व्याख्या करती है और प्रस्तावना से मदद ले सकती है। प्रस्तावना से तीन लाभ हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता संप्रभुता जनता में निहित है। संविधान निर्माता जनता जो गणमान्य प्रतिनिधि थे, भारतीय संविधान को भारत की जनता को समर्थन प्राप्त था।
हम देखेंगे संविधान को। संविधान के उद्देश्य में अर्थात संविधान निर्मातागण देश में कौन सी शक्ति प्रणाली स्थापना करना जी हमने देख लिया। संविधान के प्रवर्तन प्रस्तावना में निहित आदर्श क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द जो है हमने देखा प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी शब्द है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। गोविंद बोलो हरि गोपाल, गणराज्य सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सबसे इन सबसे बढ़ के व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। एक एक करके इसको देखेंगे जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के नाम से संप्रभुता को जाना जाता है। 26 जनवरी 1950 को एक संप्रभु राज्य बना और किसी भी राज्य के प्राण तत्व होती है संप्रभुता। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी राज्य के चार तत्व होते हैं, इसमें संप्रभुता सबसे मुख्य और इम्पोर्टेंट होती है, जिसके कारण कोई भी देश या राज्य अपनी गृह नीति और विदेश नीति का निर्धारण स्वयं करता है और देश के बाहर वह किसी की बात मानने के लिए बाध्य नहीं होता। भारत में संप्रभुता जनता में नहीं थी। समाजवाद अथवा राष्ट्रीयकरण, भारत में समाजवादी ढांचे शब्द का प्रयोग और इसे लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में व्यक्त किया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में व्यक्त होता है। भारत में चलाई जा रही पंचवर्षीय योजनाएं गरीबों से संबंधित रही हैं। कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, तो कुछ का निजीकरण किया गया, जो मिश्रित और लोक कल्याणकारी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। अगले पॉइंट में देखते हैं कि अगला पॉइंट है पंथ निरपेक्षता। इसका अर्थ यह है कि सभी धर्मों को हम स्वीकार करते हैं, हमारा संविधान स्वीकार करता है, सब लोग समान हैं, सभी व्यक्तियों को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म की आबाद रूप में आचरण करने और प्रचार करने की छूट देता है। निरपेक्षता का दृष्टिकोण सकारात्मक है और एक किसी भी प्रकार से लालच देकर या प्रलोभन देकर धर्मांतरण का विरोध करता है। अगले पॉइंट में देखते हैं लोकतंत्र। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें जनता सीधे अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि के माध्यम से शासन में भाग लेती है, लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र जनता की सहमति पर आधारित शासन होता है और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकारें बनती हैं। लोकतंत्र वही होता है जहां सरकार जनता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से समर्थित या निर्वाचित होती है। गणराज्य, उसका अर्थ है देश का राष्ट्राध्यक्ष अनुवंशिक या वंशानुगत न होकर
जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, जैसे भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति। लेकिन ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र है। देखते हैं सामाजिक न्याय है, जहाँ पे किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग, विशेषाधिकारों का अभाव, गरीबों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाता है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विषमता न हो। नेक्स्ट हम आते हैं आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय में कोई बहुत ज़्यादा अमीर ना हो कि किसी को खरीद सके, और गरीब में किसी को इतना गरीब ना हो कि वो अपने आप को बेच सके। इसीलिए लोगों के बीच आर्थिक विषमता को कम हो, गरीबों का शोषण ना हो और सभी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो। नेक्स्ट है राजनीतिक न्याय, बिना किसी भेदभाव के सभी को राजनीति में भाग लेने का अवसर मिले, तो गरीब अन्य योग्यता कारण से राजनीति से वंचित न होना पड़े। अगले पॉइंट में है टॉपिक व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा को भारतीय संविधान की इकाई स्वीकार किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने गांव को संविधान की इकाई बनाने से अस्वीकार कर दिया और कहता कि गांव सांप्रदायिकता और संलग्नता के कुंड है। अम्बेडकर का मानना था कि जब तक प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा बहाल नहीं हो जाती, तब तक भारत में सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापित नहीं हो सकता है। भारतीय राष्ट्र की जो एकता और अखंडता है, भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की एकता व अखंडता की रक्षा करना है। इसे अखंडता को ध्यान में रखते हुए संविधान को व्यवहारिक बनाया गया और संविधान में कई ऐसे प्रावधान रखे गए किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान में नहीं है, जैसे राष्ट्रपति को दी गई आपातकालीन शक्तियां, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये दुनिया के किसी भी संविधान में ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो। भारत में ऐसा इसलिए किया गया है कि भारत में विभिन्न धर्म, जाति, भाषा के लोग रहते हैं, इससे यह देश अपने जन्म से ही विभाजन कारी घटनाओं को देख चुका है। इसीलिए इस देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने आपातकालीन शक्तियां समय देश को संघात्मक से एकात्मक की तरफ ले जाने का प्रावधान किया है, इससे यह देश की अखंडता, एकता और अखंडता बनी रहे। धन्यवाद।